द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात बोली गई है। देखिए जैसे कि हम लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, क्या हम ये वाला एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो देखिए ये सब चीज़ें जो होती है वो डिसाइडेड होती है कल पे नहीं, ये सब डिसाइडेड होती है आज पे। तो आज जो आप कर रहे हैं, जैसा आपका डेली रूटीन जो बन रहा है, जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपने टास्क जो है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, जो आप एक दिन पहले सोने से पहले लिख रहे हैं उसको आप फॉलोअप कीजिए। तो जब आप फॉलो ये सब चीज़ें प्रॉपरली करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए डेली रूटीन पे फोकस कीजिए अपने, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा। गॉट इट गाइज? तो आई वेलकम यू टू एजुकेशन विंग्स गाइज, एंड माई नेम इज़ कमलाक्ष झा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल, एंड दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, दैट इज़ कमलाक्ष झा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ओके, सो टुडे इज 17th June 2018। तो कल जो न्यूज़ थी वो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, हालांकि मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दी थी उस पर्टिकुलर कल की न्यूज़ की। और आज जो हम कवर करेंगे 16th of June और 17th of June दोनों की न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। और जैसा कि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बता दूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के लिए, और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ही न्यूज़ होती है यहाँ पर। गॉट इट? सो गाइज, उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट पेज द हिंदू का डिस्कस किया जाएगा, नेशनल न्यूज़ डिस्कस की जाएगी, इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस की जाएगी, बिजनेस न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग, साइंस एंड टेक से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, मतलब आज की डेट की 17th of June की काफ़ी न्यूज़ है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जिसको हम लोग को ध्यान से देखना है। गॉट इट? इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोग को कुछ मैप की प्रैक्टिसेस करने को बोलूँगा, और आप लोग को रिलीजियसली उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी है, तो पेन और पेपर लेके बैठिए प्लीज़ आप लोग, जो चीज़ें मैं आपको बोलता जाऊँगा वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, और कुछ जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, और जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स पर उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तो ये रिवॉर्ड हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं। और जैसे कि अगर आपको MCQ पे डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट स्किप करना है, आप देखना चाहते हैं आज के कौन से क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी टाइमिंग डाल के रखी हुई है, आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग को क्लिक कीजिए और आप MCQ में पहुंच जाएंगे। गॉट इट? तो उसके अलावा फ्रेंड्स जो रिवॉर्ड्स जो है वो आपको क्या मिलेगा वो मैं जब आपको MCQ प्रोवाइड कराऊंगा तब बताऊंगा। ऑलराइट? सो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अभी से। ओके, सो हम लोग फ्रंट पेज न्यूज़ के डिस्कशन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली तारीख़ तालिबान का जो लीडर है, बेसिकली तारीख़ तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो लीडर है मुल्ला फजलुल्ला, उसको फाइनली USA और अफगानिस्तानी फोर्सेज ने उड़ा दिया है, मतलब मार दिया है उसको। तो बेसिकली ये जो मतलब मुल्ला फजलुल्ला है, ये मुल्ला रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इसने काफ़ी सारे अटैक्स करवाए थे, जैसे कि एक जो अटैक था वो पेशावर का अटैक था जिसमें इसने स्कूल के बच्चों को मार दिया था, स्कूल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था और स्कूल के बच्चे मर गए थे। तो काफ़ी सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, और बेसिकली जो लीडर भी था ये बेसिकली इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको काफ़ी सारी गवर्नमेंट जो है वो ढूंढ रही थी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और इवन USA की गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसको मुल्ला रेडियो क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? तो मुल्ला रेडियो इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये इंसान क्या करता था, ये बेसिकली रेडियो के ऊपर जो रिलीजन को लेकर लोगों को उकसाता था, तो रिलीजियस से रिलेटेड ऐसी बातें बताता था और लोगों का ब्रेन वॉश करता था और उनको उकसाता था आपस में लड़ने के लिए। राइट? तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हुआ करता था। उसके अलावा जो मेन चीज़ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग को जानना है, पहली बात तो देखिए कभी कभी डायरेक्टली न्यूज़ में आ जाता है कि रिलेट करिए कि ये कौन बंदा है, कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा लीडर है, इस टाइप का भी आता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ आ सकती है, UPSC क्या चीज़ किस पे फोकस करेगी, वो फोकस करेगी नाटो लेड रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन पे। तो ये नाटो आप लोग को पता ही होगा, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो था। राइट? तो ये बेसिकली हम लोग को जो फोकस करना है वो करना है रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन में। तो देखिए नाटो का एक रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन था जिसके तहत इन लोग क्या कर रहे थे, इसमें जो अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं, जो लाइक अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको ट्रेन करते थे, उसको एडवाइस करते थे और उसको असिस्ट करते थे मिशन में। राइट? तो इस दौरान क्या करते थे इन लोग, बेसिकली ट्रेनिंग देते थे, अगर एक ओवरऑल आपको जानना है तो ये बेसिकली अफगानिस्तानी फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया करते थे। ओके? और ये जो शुरुआत हुई थी इसकी नाटो लेट रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन की, ये शुरुआत हुई थी 1 January 2015 से। तो ये इसका लोगो है रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन का, जिसमें ये गवर्नमेंट मतलब दोनों गवर्नमेंट मिलकर कोशिश कर रही थी कि किस हिसाब से मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोका जाए, किस हिसाब से हटाया जाए, मारा जाए। तो इन्होंने काफ़ी सारे टेररिस्ट को मारा है, साथ में मिलकर काफ़ी सारे ऐसे मिशन किए हैं, मतलब रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन ने काफ़ी सारे सक्सेसफुल मिशन किए हैं जिसमें काफ़ी सारे टेररिस्ट को मारा है, उनमें से एक जो है वो मुल्ला रेडियो का नाम इसमें अटैच हो गया। गॉट इट? तो आप लोग को आई थिंक कि मतलब
क्लियर हो गया होगा रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं आराम से एग्जामिनेशन में, और ये 100% आने की इसकी संभावना है। ओके, सो अब नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोग को आधार को लिंक वगैरह करवाना पड़ता है, तो उसके लिए एक आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज चाहिए होती है, तो उसका एक लाइसेंस होता है बेसिकली। तो क्या हो रहा है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जब बैंक्स को ये पर्टिकुलर आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस देती है तो उसकी कुछ लाइसेंस फीस चार्ज करती है, जो कि बोला जा रहा है बैंकिंग सेक्टर के जरिए कि वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको रिव्यू करने की डिमांड कर रही है बैंकिंग सेक्टर की, जो चार्जेस हैं उसको रिव्यू करो। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो छोटे बैंक्स वगैरह जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो बर्डन है फाइनली वो कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, जो कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को बर्डन हो इस पर्टिकुलर सर्विसेज का। तो बेसिकली हर जगह हम लोग को देखने को मिलता है ना आधार लिंक करो, आधार लिंक करो और काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसके पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली छोटे बैंक। तो उसके लिए रिव्यू करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। गॉट इट। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी इस पर्टिकुलर उदय से रिलेटेड। सो फ्रेंड, ये वाली जो न्यूज़ है वो यूएसए की तरफ से है। तो यूएसए ने जो क्या किया है, यूएसए ने चाइना के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। बढ़ाकर उन्होंने अब बेसिकली 25% बढ़ाकर ऐसा कर दिया है कि अब से जो भी प्रोडक्ट जो चाइना के अंदर आएंगे उसको इम्पोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेगी लगभग $50 बिलियन। तो $50 बिलियन तक इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा चाइना को। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए में महंगे हो जाएंगे और यूएसए के जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं यूएसए में जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मतलब बिक्री ज़्यादा होने लगेगी। तो इस कारण क्या होगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। तो यही चीज़ ये वाली न्यूज़ देखकर आज जो है, आज संडे को चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक न्यूज़ आई है। तो चाइना की तरफ से न्यूज़ ये आ गई, चाइना ने भी टिट फॉर टैट कर लिया है। चाइना ने भी बोला कि हम भी अपनी जो टैरिफ्स है उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। अब जो यूएसए से जो आने वाला सामान होगा उस पर भी इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं काफ़ी सारे सामान यूएसए से आने वाले, जो कि यहाँ पर जिसकी डिमांड ज़्यादा है या फिर बिक्री इसमें ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो यूएसए ज़्यादा देता है यहाँ पर चाइना के अंदर। तो इसने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो बढ़ाकर लगभग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इसने भी $50 बिलियन कर दी है चाइना ने। तो उन्होंने बोला है कि ओवरऑल हम भी $50 बिलियन कर देंगे, और फिर पता लगेगा कि यूएसए को कि ये उसने जो मूव लिया है वो गलत लिया है। तो इस तरह से ये चीज़ देखने को मिल रही है इन दोनों इकोनॉमीज़ या फिर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है हमें, राइट। अब नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में ये पता लगा है कि एक जो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पर है, यूएसए में है। तो इसके जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है कैटलिन गैनर, तो उन्होंने रिसर्च करी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में, इवन महाराष्ट्र में भी आके उन्होंने रिसर्च करी है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर इन्होंने जो रिसर्च करी है, इसमें ये पाया गया है कि जो 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 मैमल्स वगैरह होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जो दिन में शिकार किया करते थे, डे टाइम में शिकार किया करते थे काफ़ी समय से, डिकेड से, काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से जो ये डे टाइम में जो शिकार किया करते थे वो अब डे टाइम को छोड़ रहे हैं, अब वो नाइट टाइम में यानी कि फिर डार्क में शिकार कर रहे हैं। तो ये अंधेरे में शिकार करना पसंद कर रहे हैं। अब उसके पीछे की वजह जो बताई गई है वो ये चीज़ बताई गई है कि जो ह्यूमन है उससे इनको इनसिक्योरिटी है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ह्यूमन का सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो जब ह्यूमन का सिविलाइजेशन बढ़ रहा है तो ह्यूमन क्या कर रहा है कि ह्यूमन फॉरेस्ट काट रहा है, रोड्स वगैरह डेवलप करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इन लोग को इनसिक्योरिटी हो रही है, ये लोग डर रहे हैं। तो ये डर के मारे अब डे टाइम में जो है वो शिकार नहीं करे, बिकॉज डे टाइम में जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, है ना। और क्योंकि ह्यूमन जो है वो नाइट लाइफ जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, वो सोते हैं अधिकतर ह्यूमन, राइट। क्योंकि 80-90% जो ह्यूमन्स हैं वो रात में सोते हैं, ओके, और रात में कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं वो लोग, जैसे कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड। तो इस कारण जो है वो उनको पीस मिलता है और इस कारण फिर ये जो मैमल्स जो होते हैं वो इस समय एक्टिव हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ बताई गई है कि मैमल्स को ह्यूमन से खतरा है और ह्यूमन से खतरा होने के बाद वो डे टाइम जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं और नाइट टाइम में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये कितने 62 स्पीसीज़ पे लगभग ये एक्टिविटीज़ इन्होंने स्टडी करी थी और जिसमें ये वाली चीज़ पाई गई थी कि ह्यूमन्स के कारण जो है इन लोग ने नाइट लाइफ जो है उसको चूज़ कर लिया है। तो ओवरऑल हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये जो न्यूज़ है वो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी कि, और या फिर कभी कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने स्टडी करी थी। तो कैटलिन गैनर ने एक स्टडी करी थी, उसमें ये पाया गया था उसने ये वाली 62 स्पीसीज पे स्टडी करी थी। तो इस प्रकार से भी जो यूपीएससी है वो ऑप्शंस वाइज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। गॉट इट। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है। तो देखिए, कल जो था वो रमज़ान ख़त्म हुआ और हम लोग ने ईद सेलिब्रेट करी थी, राइट। तो जैसे ही ये चीज़ हुई तो ये ख़त्म होते ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी देखने को मिली, राइट, कि उनका एजिटेशन देखने को मिला आर्मी की तरफ। तो उसका रीज़न क्या था वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये ऑर्डर दिए थे कि जब तक रमज़ान चलता रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है उसको लागू कर देंगे या फिर सीज़
ऑपरेशन को लागू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या थी, तो इस दौरान क्या किया था, इसने ऑर्डर किया था वहाँ की आर्मी को कि आप जो है वहाँ पर जितने भी अपने मिशन हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं, उसको मत करिए, उसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी आपकी डेली रूटीन्स होती है जैसे दौरे वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए आप, बट ये चीज़ इंश्योर करिए कि वहाँ पर कोई भी ऐसी मतलब इलीगल एक्टिविटीज बस ना हो। तो इन सब चीज़ों को एश्योर करते हुए आर्मी ने भी एक्सेप्ट किया और आर्मी ने बोला कि ठीक है, हम लोग जो अपने ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर देते हैं अभी कुछ समय के लिए। तो अब देखिए, जैसे ही अब रमज़ान खत्म हुआ, जैसे कि कल रमज़ान खत्म हुआ और रमज़ान खत्म होते ही हम लोग को देखने को मिला कि जो वहाँ के जो लोग बाग हैं वो मतलब थोड़े से मतलब उनको वापस से समझ में आएगा कि यार फिर से अब आर्मी जो है वहाँ पे जो ऑपरेशन वगैरह मिशन वगैरह करना शुरू कर देगी, तो उससे मतलब उससे गुस्सा होकर एंग्री होकर इन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू करी। तो इस दौरान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले रही है कि अब क्या वो एक्सटेंड करें सीज ऑपरेशन की नहीं करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता करेगा लगेगा कुछ समय बाद। तो उसके दौरान जो है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा डेटा जो है वो निकाला है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब अभी जो जब सीज ऑपरेशन सस्पेंड हो गया था मई 16 से लेकर जून 16 तक, तो वहाँ पर जो पत्थरबाजी का जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी कम देखने को मिला था, 65 एज कम्पेयर टू कि जब जो जो ये वाला पर्टिकुलरली सीज ऑपरेशन है जब नहीं लगा था तब, जैसे कि कुछ डेटा बताया है कि 35 इंसिडेंट्स पाए गए थे जनवरी में, 45 पाए गए थे फरवरी में, 79 मार्च में, 169 अप्रैल में, तो 169 मतलब ऑन एन एवरेज देखने की बात कही गई थी। तो इन्होंने बोला है कि जैसे कि इंसिडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक, बट जब हम लोग ने सीज ऑपरेशन को लागू कर दिया तब जो इंसिडेंट्स हैं वो हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिले हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता वो हम लोग को आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा कि क्या चीज़ है और डिटेल में, ओके। तो हम लोग तब और डिटेल में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यूके से रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है। तो यूके अब क्या करने वाली है, वो अब टारगेट करेगी चाइना को, इंडोनेशिया को और मालदीव जैसे 25 अलग देशों को ये टारगेट कर रही है, वहाँ के बच्चों को ये टारगेट कर रही है। ये बोल रही है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो आएँ और हमारे देश में आकर इनरोल करें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो वीज़ाज़ की जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं। तो वीज़ा की कौन सी पॉलिसीज, टीयर फोर स्टूडेंट वीज़ाज़। तो आपको पता होना चाहिए कि टीयर फोर स्टूडेंट वीज़ा जो लगता है वो यूके के लिए लगता है, वहाँ के जो जो दूसरे देश के जो बच्चे हैं वो यूके में आके पढ़ सकें। बट ये वाली जो पॉलिसी उन्होंने 25 देशों के लिए करी है जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आपको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह और काफी सारे लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, 25 देशों के लिए इन्होंने जो जियो वाली प्रोसेस है उसको ईज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है और उसको कम कर दिया है। तो उसके जो सर्टिफिकेशन है अब उतने नहीं लगेंगे, जो प्रोसेस है उतनी लंबी नहीं होगी, वो शॉर्ट प्रोसेस होगी। तो ये 25 देशों के लिए किया है बट इंडिया के लिए नहीं किया है। तो इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, करीब थर्ड लार्जेस्ट जो मतलब कंट्री है इंडिया जो कंट्रीब्यूट करती है अपने जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको। तो बेसिकली जो सबसे तीसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं पढ़ते हैं तो वो होते हैं इंडिया के, राइट। तो ये बेसिकली जो मूव है वो मतलब इंडिया के लिए अच्छा मूव नहीं है बट दूसरे देशों के लिए अच्छा मूव है। और अब इस मूव के दौरान हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि आने वाले समय में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या हम लोग को कम देखने को मिलेगी, बिकॉज लंबा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो लोग जो है इतने सर्टिफिकेशन इतने लंबे प्रोसेस से कभी कभी अप्रूवल नहीं मिल पाता है उन लोगों की, कभी कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन है कोई सर्टिफिकेट है उनके पास अवेलेबल ना हो या कुछ भी हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होती हैं उन लोग को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जैसे कि मैं मेरे एक परिचित हैं, चलिए छोड़िए मेरे परिचित के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कवर कर लेते हैं काफ़ी सारी न्यूज़ हैं आज की, ओके। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी इंडिया से रिलेटेड, इंडिया और यूके से रिलेटेड जो वीज़ा के नॉर्म्स थे जो बेसिकली यूके ने जो है वो ईज कर दिए हैं 25 देशों के लिए, इंडिया के लिए नहीं किया। और ये वाली चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, टीयर फोर स्टूडेंट वीज़ाज, गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। तो नेक्स्ट अब नेशनल वाली न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जी हैं जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, जो आपको पता होना चाहिए इनका नाम भी, बिल्कुल डायरेक्टली एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है बिकॉज ये न्यूज़ में आए हुए हैं। तो इनको क्या मिला है, इनको डॉक्टरेट डिग्री मिल गई है ICFAI यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टरेट किस में मिला है इनको, लिटरेचर में। तो डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री मिली है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ICFAI यूनिवर्सिटी सिक्किम। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में, डायरेक्टली एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है। और फ्रेंड्स, अगले महीने इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो एक नया मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो वो लॉन्च जब करेगा तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से रिलेटेड इनका जो मिशन है वो लॉन्च होगा ये, राइट। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो तिरुपति जो है फ्रेंड्स वो अब विटनेस करेगी एक इस साल जो है दो बार जो ब्रह्मोत्सवम जो इनका फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर हम लोग को इस साल दो बार देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तिरुपति में, तिरुपति आंध्र प्रदेश, गॉट इट। तो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, राइट। तो ये नवरात्रि के समय ये जो है फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो 9 दिन का फेस्टिवल होता है ये ब्रह्मोत्सव।
सवम। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है, और जैसे कि अगर हमारी कैपिटल की बात की जाए इंडिया के, जो कि दिल्ली है, तो वहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी हद बद से बदतर होती जा रही है। बिकॉज हम लोग ने काफ़ी समय से देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो कितना हाई लेवल पर है, और अभी पिछले 5-6 दिनों से ये देखने को मिल रहा है, ये वाली रिपोर्ट आई है कि वहाँ के जो पेशेंट्स जो हैं, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनकी संख्या जो है वो पिछले 5-6 दिनों में काफ़ी बढ़ गई है। रीज़न बीइंग क्या क्या हो रहा है कि अभी जो डस्ट स्ट्रॉम है वो इतना हद तक दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण जो परेशानी हो रही है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो लोग बाग रह रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक हो रही है, और उनके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती जा रही है, कि आम आदमी जो है वहाँ पर मतलब उसको प्रॉपर जो है जो एयर जो है इन्हेलेशन जो है वो ले रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी जो लंग्स प्रॉब्लम है उसके अंदर डेवलप होती जा रही है, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स जो कि एयर में वहाँ पे प्रेजेंट है, नज़र आता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अभी जो हाई अलर्ट जो किया गया उसमें ज़्यादातर लोगों को बोला गया है कि आप घर के अंदर ही रहिए, इंडोर में रहिए, और बाहर निकलें तो बाहर निकलने के लिए आपको मास्क वगैरह यूज़ कीजिए। तो देखिए अपने इंडिया के कैपिटल के अंदर कितना मतलब ये वाली प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसके कारण गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंडियन कैपिटल के अंदर जो हमारी दिल्ली है उसके अंदर वहाँ पे क्या चल रहा है, और ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ग्लोबल कंसर्न है ये एनवायरनमेंट, राइट, कि हर एक समिट, बड़ी बड़ी समिट्स उसके अंदर ये सब चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं कि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कर्व किया जा सके, राइट। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी, वो नेशनल न्यूज़ थी, मतलब जो हमारे दिल्ली से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो पल्स यानी कि दाल से रिलेटेड है। तो देखिए आज के समय में हमारा जो दाल का पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, अच्छा हो चुका है, और हमारे जो गोडाउन्स हैं वो भरे पड़े हुए हैं पल्सेस से। तो इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि हम जो है पल्सेस जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से इम्पोर्ट करवाने वाले हैं। तो इस दौरान जो फार्मर्स वगैरह हैं वो एंग्री हो गए हैं, और एंग्री होना उनका स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज इनकी जो इनकम है वो डाउन हो जाएगी ऑलरेडी, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग समझते हैं अच्छे से कि अगर कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट होगी तो डोमेस्टिक मार्केट को ऑलरेडी फर्क पड़ेगा, और डोमेस्टिक मार्केट है जो वो डिस्ट्रॉय होगा, अल्टीमेटली इसका बर्डन किसको फेस करना पड़ेगा, फार्मर्स को फेस करना पड़ेगा, ओके। और इसके अलावा भी काफी सारे इश्यूज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि वेस्टेज, तो कितना बड़ा वेस्टेज होने वाला है, कि ऑब्वियसली बात है कि अगर जो मतलब दाल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास भरी पड़ी हुई है, दाल का जो प्रोडक्शन ऑलरेडी है गोडाउन भरे पड़े हुए हैं, और हम लोग अगर उसका मतलब और इंपोर्ट कराएंगे उसको, तो ऑब्वियसली बात है कि खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और क्या होगा, वेस्टेज होगा ओवरऑल, राइट। बट क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को के लिए जो आंसर जो दिया है वो ये दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 2016 में जब पल्सेस के प्राइस जो थे वो आसमान छू गए थे, तो उस दौरान क्या हो रहा था, इंडियन कंज्यूमर्स थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया था ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ 5 साल के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, और उस एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया था कि जो पल्सेस के जो इंपोर्ट्स हैं उसको डबल कर दिया जाए, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो ये जब साइन हुआ, अब साइन होने के बाद क्या हुआ कि ये 5 साल के लिए जो एग्रीमेंट है वो फिक्स हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि फॉरेन रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के चक्कर में इन्होंने बोला है कि अब इस साल जो है मानसून अच्छा हो गया है, और मानसून के अच्छे होते समय अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है तो इससे तो ठीक है, इससे अगर इंडियन कंज्यूमर है उनको सफिशियंटली जो है मतलब दाल मिलेगा, और उनकी जो दाल की जो प्राइसेस है वो डाउन भी हो जाएंगी, ऑब्वियस ही बात है। बट हम लोग अपने फॉरेन रिलेशंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको भी हम लोग को देख के चलना पड़ेगा, उसको भी बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बोला है कि हम लोग को इंपोर्ट कराना पड़ेगा ही, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। तो फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है अपने मतलब जो ये दाल है ऑलरेडी गोडाउन में भरी पड़ी हुई है उसको ओवरफ्लो कर देगी, तो इस कारण अब वेस्टेज भी देखने को मिलेगा। और अब देखते हैं गवर्नमेंट किस हिसाब से इस चीज़ को बैलेंस करेगी, मे बी शायद वो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो होते हैं कि जैसे वीकर सेक्शंस वगैरह होते हैं जिन लोगों को काफ़ी कम रेट में ऑलरेडी दाल वगैरह मिलती है, तो शायद उनका जो दाल है उसको काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इन पर्टिकुलर चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। अब कब किया जाएगा ये चीज़ तो देखेंगे, बट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं कि इंडिया जो है साल 1.5 लाख टन जो है वो खरीदेगी किससे, मोजाम्बिक से, और यही जो एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो केन्या के साथ भी हुई है, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है जो केन्या के साथ हुए हैं, ये सब कंट्रीज के साथ, ये सब चीजें हम लोग को पता होना काफी जरूरी है, राइट। तो ये जो मूव है गवर्नमेंट का, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, राइट। बट ये वाला जो मूव है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्टेज की तरफ ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नेशनल न्यूज पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हवाला का बहुत बड़ा गैंग जो है वो पकड़ा गया
गया है, तो बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए कि इस ये गैंग क्या है, बट लीस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बट देन टू हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली नरेश जैन और उसके एसोसिएट्स हैं वो पकड़ा गए हैं इस पर्टिकुलर मतलब हवाला जो ये करते थे। तो हवाला पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। बेसिकली हवाला क्या होता है कि एक एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा पहुँचाना, और ये ब्लैक मनी होता है, राइट। तो ये इलीगल पैसा होता है जिसका कोई टैक्स वगैरह नहीं भरा जाता ना कुछ किया जाता है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत बड़ा अमाउंट पहुंचा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह तक जो अमाउंट जो है वो आप कैसे पहुंचा सकते हैं, बैंक के ट्रांसफर से, राइट। बट अगर ये जो पैसा है वो इलीगल है, ब्लैक मनी है, उसको आप कैसे ट्रांजैक्ट करोगे। तो देखिए क्या होता है, मैं आप लोग को ये बताता हूँ। ये जो हवाला जो चलता है ये पूरा चलता है शेल कंपनीज के ऊपर, राइट। तो ये शेल कंपनीज़ क्या होती है वो पहले समझ लेते हैं। तो देखिए शेल कंपनीज़ जो होती हैं वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, ना ही उनका कोई ऑफिस होता है, ना ही उनके कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं, बस उनका एक बैंक अकाउंट होता है, राइट। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ये मतलब अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ये सिर्फ शो करती रहती हैं, राइट। बट एक्चुअल में ये सब कुछ नहीं होता है, तो ये सब पूरा फर्जीवाड़ा होता है। तो ये कंपनी होती है पूरी फर्जी होती है, और जो इनके ओनर्स वगैरह जो होते हैं वो रजिस्टर करते हैं इस कंपनी को सिर्फ पेपर पे, बाकी कोई इसका ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं होता। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो पैसा जो होता है हवाला के थ्रू इधर उधर जो ट्रांजैक्ट करते हैं ये, तो इसके कुछ कमीशन वगैरह ये चार्ज करते हैं। तो उस कमीशन वगैरह चार्ज करने के बाद ये एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पैसा ट्रांजैक्ट कर देते हैं, और ये क्या शो करते हैं कि ये इस कंपनी से ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। ये कंपनी एक यहाँ पर है, ये कंपनी एक यहाँ पर है, इन दोनों कंपनी के बीच में ट्रेडिंग हुई है, और फिर ये पैसा चला जाता है, राइट। तो बट इंस्टेंटली ये ऐसा शो वो नहीं करते, जैसे कि अगर किसी को एक लाख रुपए, दो लाख रुपए, पांच दस लाख रुपए, दस लाख मान के चलते हैं, ठीक। किसी इंसान को दस लाख रुपए ट्रांजैक्ट करना है, तो ये धीरे धीरे करके ट्रांजैक्ट करते हैं। बट जो इंसान जो होता है वो यहां पर दस लाख रुपए दे देगा, और यहां से जो इनका जो दूसरा जो चैनल होता है उससे यहां पर इनको दस लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये पूरी डील फोन ही फोन पे होती है, और जो पैसा जो होता है वो धीरे 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 करके ये ट्रांजैक्ट करते रहते हैं, या फिर अपना हिसाब लिख लेते हैं कि आप लोग दस लाख रुपए क्रेडिट में हो या डेबिट में हो, तो ये सब चीजें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा हवाला जो है वो चलता है। तो एक बहुत बड़ी चेन है जो ये हवाला चलाती है, राइट। तो उनमें से एक बहुत बड़ी चेन जो है वो गिरफ्तार हो गई है, जो कि दुबई में भी इनकी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, और काफ़ी सारे जगह अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं, शेल कंपनीज़, नकली वाली कंपनी, ठीक है। तो ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ये ट्रांजैक्शन कर चुके हैं अभी तक, और ये काफ़ी बड़ा जो एसोसिएट है जो अब जाके मतलब पकड़ा गया है, राइट। तो ये मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज़ के नाम से भी काफ़ी सारी शेल कंपनीज़ इन्होंने खोल के रखी हुई है, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने करके रखी थी। तो ये ओवरऑल इनका खुलासा हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जानने की जरूरत नहीं थी, हम लोग को जानने की जरूरत थी शेल कंपनीज़, और मतलब नॉलेज के लिए नरेश जैन और उसके एसोसिएट थे वो जो हवाला कंपनी चला रहे थे वो, और थर्ड जो है वो है हवाला, ओके। तो ये सब ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पता होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, डेट की रिकवरी के लिए SBI बैंक और 12 अदर बैंक्स ने विजय माल्या को बोला है कि आपको 1.8 करोड़ रुपीज़ जो है लीगल कॉस्ट है वो पे करना तो पड़ेगा ही, और ये जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट है और ये आगे आके बढ़ सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 12 अदर बैंक्स ने विजय माल्या को मतलब जो रिकवरी करने की बात करी गई है, और 1.8 करोड़ रुपीज़ प्लस बढ़ भी सकता है ये। तो ये टेंटेटिव अमाउंट जो है वो दे दिया है इनको, राइट। तो ये विजय माल्या से रिलेटेड वाली न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो अजम्पशन आइलैंड डील से रिलेटेड न्यूज़ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है सेशल के, उन्होंने मना कर दिया है कि हम ये वाली जो डील है, ये वाला जो एग्रीमेंट है, उसको आप कैंसिल कर देंगे, मतलब कर रहे हैं, तो ये फाइनली उन्होंने बता दिया है। तो बेसिकली ये डील जो है उसको कैंसिल करने की वजह जो थी, वहाँ के लोग बाग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रखा था, उन्होंने सड़कों पर आ गए थे वहाँ के लोग बाग, और ये बोल रहे थे कि ये वाली डील जो है वो इंडिया के साथ मत करो, कि अगर ये वाली डील हो जाएगी तो इंडिया की जो इंडिया क्या करने वाला था इस डील के तहत, ये मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा था इस आइलैंड को, और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली थी। तो अब बेसिकली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा था और ये सब एक्टिविटीज़ होती, तो अब वहाँ के जो वर्कर्स वगैरह हैं इंडिया के, यहाँ पर आते और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जॉब इनसिक्योर हो जाती। तो बेसिकली लोग बाग इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इंडियन वर्कर्स यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी जो जॉब है वो इनसिक्योर हो जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रिलेटेड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर इंडिया जो है उसकी सिक्योरिटी अगर यहाँ पर लग जाएगी तो हमारी सिक्योरिटी को भी हार्म हो सकता है, और धीरे धीरे इंडिया जो है वो कैप्चर कर सकता है सेशल्स को। तो काफ़ी सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये एग्रीमेंट को मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि हम जल्दी अपने नेक्स्ट बजट में हमारी जो कोस्टल गार्ड की जो फैसिलिटी है उसको लेके आएंगे हमारी खुद की, और हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी मिलिट्री पोस्ट है वो उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लगा दें, राइट। तो ये वाली चीज़ थी, और इसलिए ये वाला एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने, और क्योंकि इनको प्रेशर था वहाँ के लोगों का, जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद से प्रोटेस्ट कर रखा था। तो ये वाली डील जो हुई थी वो 2003 में हुई थी, बट जो फाइनलाइज हुई थी ये वाली डील जो हुई है वो 2015 में फाइनलाइज हुई है, और अब जो है
है 2018 में, आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है यली डील जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो कैंसिल कर दिया वाला एग्रीमेंट, राइट। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की हम लोग को जरूरत नहीं, बट इन शॉर्ट हम लोग को पता होना चाहिए। तो आप शेशल्स जो है वो मैप में जाके देखिए शेशल्स कहाँ पर है, इसके अलावा मैप आप लिख लीजिए वहाँ पर अपने पेन और पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन और पेपर लेके बैठिए, तो शेशल्स लिखिए आप, शेशल्स कहाँ पर है वो आपको देखना है, उसकी लोकेशन। मोजाम्बिक देखना है आपको, मोजाम्बिक कहाँ पर है, उसके अलावा आपको देखना है केन्या, केन्या कहाँ पर है, राइट। ये तीन जो लोकेशन है वो आप लोग को देखनी है, ओके। और नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं अब हम लोग। सो फ्रेंड, ये वाली जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि जो असम है वो 2020 तक, मिड 2020 तक 19 न्यू कैंसर सेंटर्स जो है वो ओपन करेगी, ठीक है। तो 19 न्यू कैंसर सेंटर्स, तो ये पार्टनरशिप में किसके साथ करने वाली है, टाटा ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में करने वाली है, जो कि इन्वेस्ट करेगा 1910 करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये फंक्शन करना शुरू कर देगी मिड 2020 से। तो आप लोग को तीन चीज़ पता होनी चाहिए, 19 न्यू कैंसर सेंटर, सेकेंड टाटा ट्रस्ट विद पार्टनरशिप असम गवर्नमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 1910 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मिड 2020 हम लोग को पता होना चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स में आप ऐसे करके लिखा करें तो आप लोग को जल्द से जल्द चीज़ें याद रहेंगी, राइट। और उसके अलावा जो ये पीडीएफ वगैरह है वो तो आप लोग को फ्री मिलेगी ही, और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, वो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फ्री में आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो मिज़ोरम से रिलेटेड आती है। तो मिज़ोरम वाले जो लोग हैं वो पॉपुलेशन जो उनकी डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो डर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज इनकी जो जॉब्स वगैरह है वो इनसिक्योर हो जाएगी, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं बाहर से, वो इनकी जॉब्स जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। तो अब बेसिकली मेघालय जो क्या कर रही है, मेघालय जो करने वाली है कैश वो जो है मतलब कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी जो वुमेंस जो है वो 15 से ज़्यादा बच्चे जो पैदा करेंगे उनके लिए, राइट। तो ये एक जो इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है मेघालय, ओके। तो ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो ट्राइबल पीपल जो हैं वहाँ के, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोग। और इसमें जो एक डेटा जो बात की गई है, इन्होंने बात की गई है कि जो मिज़ोरम जो है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू नेशनल ग्रोथ। तो अगर नेशनल एनुअल ग्रोथ की बात की जाए तो मिज़ोरम की जो ग्रोथ हुई है वो 1.6% हुई है, और जो बेसिकली जो ग्रोथ हुई है वो 2.37% हुई है, तो ये काफ़ी कम है, राइट। और जो जो चर्च है मिज़ोरम का वो भी ये बिलीव करता है कि जो जो मीज़ोस जो हैं, जो मीज़ो जो ट्राइब है वो अंडर पॉपुलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, राइट। और उसके अलावा जो यंग मीज़ो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है वनलल रुता जो है, उन्होंने कहा है कि जो मीज़ो के अंदर, मिज़ोरम के अंदर जो आना चाहिए वो बेबी बूम आना चाहिए, राइट, कि एक बेबी बूम की सब लोग जो हैं वो बच्चे वगैरह पैदा करें, और उसके कारण जो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए वहाँ की, राइट। और इस कारण से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो जैसे कि वर्कर से रिलेटेड और लेबरर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सॉल्व की जा सके, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे जो इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे, जो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, और वो यहाँ पे आकर जो जॉब्स हैं वो कैप्चर कर लेंगे, और इनकी आइडेंटिटी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ओवरऑल ये सब प्रैक्टिसेज हैं वो चालू कर रहे हैं, बेबी बूम लेके आएंगे इस मिज़ोरम के अंदर, राइट। और उसके अलावा थोड़ा सा और फैक्चुअल डेटा देखा जाए तो बेसिकली मिज़ोरम के अंदर 1.1 मिलियन पीपल्स हैं, और ये जो स्टेट है उसकी जो डेंसिटी की बात की जाए तो 52 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की बात है इसकी डेंसिटी, जो कि काफ़ी कम है, जो कि सेकंड लोएस्ट डेंसिटी है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट लोएस्ट डेंसिटी के अंदर आता है, और ये उसके बाद जो आता है वो मिज़ोरम आता है। और अगर नेशनल एवरेज की बात की जाए तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जो है ये जो पूरे ऑल ओवर इंडिया है इसकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग को फैक्चुअल डेटा है वो हम लोग को पता होना चाहिए जनरल नॉलेज, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है, हमारे जो प्रेसिडेंट जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, वो तीन नेशन की विजिट में गए हुए हैं, एक है ग्रीस, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है क्यूबा। तो ये तीन नेशन की विजिट में जाएंगे, और ये इनके साथ जाएंगी विष्णु देव साई जो कि हमारी एमपी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट फॉर स्टील हैं, राइट। और सेकंड जो है ये नाइन डेज के टूर में है, और यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स करेंगे काफ़ी सारी फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ और मेडिकल मेडिसिन की फील्ड में, आईटी और आयुर्वेद की फील्ड में, और काफ़ी सारी फील्ड्स में ये मतलब एरियाज़ में, काफ़ी सारी फील्ड के एरियाज़ में एग्रीमेंट करने वाले हैं ये तीन देशों में। तो हम लोग को तीन देश के बारे में पता होना चाहिए, ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा। तो ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा भी जो है वो आप अपने मैप में जाके एक बार देखिए कि इसके आसपास जो है कौन सी बाउंड्रीज़ जो है, कौन से स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं, क्या ये मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं अपन। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो एक रिपोर्ट से रिलेटेड है जो कि नाबार्ड ने और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने मिलकर निकाली है ये वाली बेसिकली रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का जो नाम था वो था ये वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स, वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स। तो इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 10 मेजर क्रॉप्स जो हैं, जो कि राइस, वीट, मेज, रेड ग्राम या फिर तुअर, चिक पी या फिर चना, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स, रेप सीड्स, मस्टर्ड एंड पोटैटो,
तो ये 10 जो है, ये 10 बेसिकली क्रॉप्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी, उसमें ये चीज़ बताया था कि ये जो क्रॉप्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो ये 60% जो है वो कंट्रीज के क्रॉप एरिया को कवर करते हैं, राइट? तो 60% कंट्रीज के ऑल ओवर क्रॉप एरिया को ये जो कवर करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो आज की रेट में जो हम लोग जो चीज़ बात करते रहते हैं कि लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात करते रहते हैं, तो इसमें ये चीज़ देखने को मिली है कि देखिए लैंड प्रोडक्शन की बात अब कम करो, अब टाइम आ गया है शिफ्ट करने का लैंड प्रोडक्शन से लेकर वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ। तो इरीगेशन के बारे में बात कीजिए, वाटर को कंजर्व करने के बारे में बात कीजिए और वाटर को सही तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में बात कीजिए, बिकॉज अगर पानी नहीं रहेगा तो आप जो है जो कि जो 60% जो एरिया है, जो कि इतना लार्ज एरिया है जो कि ये सब क्रॉप जो है वो आप कवर करते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो वो फिर खत्म हो जाएंगे बेसिकली पानी के बिना। तो आप ऑब्वियसली बात है कि जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकते, जमीन के अंदर से क्रॉपिंग नहीं करवा सकते, राइट? मतलब प्लांट जो है वो उगेगा नहीं जब तक पानी नहीं होगा उसके अंदर। तो ओवरऑल ये वाली चीज़ जो है वो उसने नबार्ड ने बोली है। मेन चीज़ जो हम लोग को ये जानना है कि नबार्ड और ICREIR इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने मिलकर ये वाला जो रिपोर्ट है वो निकाली है, जिसका नाम है वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स। 10 क्रॉप के ऊपर रिसर्च किया था और कंट्री ने क्या कि 60% जो कंट्री है उसमें ये वाला जो क्रॉप है वो ऑक्यूपाई होता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने बताया है कि जो अब टाइम आ गया है वो लैंड से वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होने का, राइट? और थोड़ा सा एक जो आप डेटा देख लीजिए कि लो इरिगेशन कवरेज जो है वो 3% है लैंड का अंडर इरिगेशन में, और तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट पे है, राइट? मतलब इरिगेशन कवरेज की बात की जाए तो। ओके, सो ये ओवरऑल न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, और जो कि लैंड प्रोडक्टिविटी और वाटर प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। और अब न्यूज़ एक दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, नेशनल न्यूज़ पे। फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो अपाचे डील से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग ने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा था कि हम लोग यूएसए से 6 और अपाचे जो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो मंगवाएंगे इंडिया में, तो देखिए ये एक क्रिटिसिज्म में फंस गई है ये वाली बेसिकली जो चीज़ है वो क्रिटिसिज्म में फंस गई है, और उसको इलॉजिकल मूव बोला गया है। अब देखिए क्यों बोला गया है, बिकॉज जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, और उस बड़े हेलीकॉप्टर को छोड़ के हम लोग ये अपाचे को क्यों मंगवा रहे हैं यूएसए से। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास जब MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स जैसे बड़े बड़े हमारे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उसको छोड़ के हम लोग अपाचे क्यों मंगवा रहे हैं। तो ये वाला जो मतलब जो इलॉजिकल मूव था इसलिए बोला गया था। तो उस बेसिस पे जो आर्मी है उसने जवाब दिया है कि आर्मी जो है उसके पास जो है वो काफ़ी छोटे स्मॉल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसको आप लेकर मतलब लड़ाई नहीं लड़ सकते, राइट? फाइट नहीं कर सकते। तो उनके पास छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स जैसे कि चीता हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो गया, तो इनके पास छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं जिसका वेट जो है वो 5 टन से भी कम है, और जो इंडियन एयरफोर्स है वो ऑपरेट करती है बड़े हेलीकॉप्टर्स, काफी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती है जैसे कि MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, और आर्मी के पास नहीं। और उन्होंने बोला कि आर्मी को जरूरत है हेलीकॉप्टर्स वगैरह की, और उनके लिए फिट बैठता है अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो चॉपर्स वगैरह है अपाचे का, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? सो ये ओवरऑल न्यूज थी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। और नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की तरफ अब हम लोग चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो यमन की है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हाउतीज़ ने यमन के एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया था, तो उसको बचाने के लिए सऊदी अरेबिया की फोर्सेस आई और उसने यमन के एयरपोर्ट को जो फ्री कर दिया है हाउती से, ओके? और अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हाउतीज़ जो हैं वो बाहर अभी भी हैं एयरपोर्ट के, और अभी भी वहाँ पर फायरिंग वगैरह चल रही हैं और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर चल रही है दोनों सऊदी अरेबिया और यमन की जो हाउती जो है। बेसिकली हाउती बेसिकली क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हाउती जो है वो वहाँ के रीबल्स हैं, बागी हैं, जिन्होंने 2014 में क्या किया था, गवर्नमेंट को हटा दिया था वहाँ से, मतलब जो ये यमन की गवर्नमेंट है उसको हटा दिया था, और उसकी कैपिटल जो है यमन की जिसको जो साना जिसको हम लोग जानते हैं, जो साना जो है वो यमन की कैपिटल है, तो उसको सीज़ कर लिया था। अब सीज़ करने के बाद क्या किया था इन्होंने, इसके जो प्रेसिडेंट थे अबी द्राबो उसको उनको भगा दिया था वहाँ से स्टेट के अंदर से, और इन्होंने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो उस दौरान क्या कर रहे थे इन्होंने, क्या किया था, एयरपोर्ट भी कैप्चर कर लिया था अभी रिसेंटली। तो एयरपोर्ट जब कैप्चर किया था तो सऊदी अरेबिया की फोर्सेज आई और उन्होंने उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को हटा दिया, मतलब एयरपोर्ट को फ्री कर दिया वहाँ से, बट सिचुएशन अभी भी सॉल्व नहीं हुए। तो देखिए बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हाउती जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और हाउती कौन है। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाता है कि आप बताइए कि मतलब आपको कंट्री दे दी जाएगी और सामने इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दिए जाएंगे, या फिर इस प्रकार के रिबल्स वगैरह या मिलिटियाज के नाम दे दिए जाएंगे, तो आप लोग को मतलब सही आंसर चूज करना है। तो आप लोगों को हाउती पता होना चाहिए क्या है, और थोड़ी सी सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है कि सऊदी अरेबिया में क्या चल रही है। और नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, तो देखिए सैन फ्रांसिस्को में एक इलेक्शन हुआ था मेयर का, तो उस इलेक्शन के दौरान सैन फ्रांसिस्को मिल गई है पहली
ब्लैक वुमेन मेयर, तो फर्स्ट ब्लैक वुमेन मेयर मिल गई है सैन फ्रांसिस्को को। तो ये ओवरऑल न्यूज सैन फ्रांसिस्को के इलेक्शन से रिलेटेड थी, जो कि मेयर वाला इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं यूके के ऊपर। तो देखिए, हम लोग को ऑलरेडी पता है स्टार्टिंग में लेक्चर के दौरान, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के दौरान फ्रंट पेज में हमने देखा था टीयर फोर वाली न्यूज हमने देखी थी कि जो टीयर फोर एग्जैक्टली टीयर फोर वीजा जो था वो स्टूडेंट वीजा था, वो हम लोग ने देख लिया था। तो यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी सारे वीजाज में चेंजेस किए थे, और जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, तो वैसे ही इन्होंने एक टीयर टू वीजा जो है, जो कि वर्क वीजा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वर्क वीजा में भी चेंजेस किए हैं इन्होंने। तो काफी समय से यह सुनने को मिल रहा था कि यूके अब क्या करने वाला है, यूके सभी जितने भी गवर्नमेंट जितने भी कंट्रीज वगैरह हैं उसके उस पर वर्क वीजा में कैप लगा देगा, मतलब कि दूसरी कंट्री से जो भी लोग हैं काम करने के लिए आएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, उनको ये वाला वीजा जो है वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है और जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, तो उसके ऊपर कोई भी कैप नहीं लगाएगी वहाँ की गवर्नमेंट, और वहाँ या इंडियंस जो हैं और दूसरी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो वहाँ पे जाके आराम से काम कर सकते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सेस। ओके, और तो ये वाली चीज़ थी। तो अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैप लगाने की, क्यों बात कर रहे थे ये बंद करने की क्यों बात कर रहे थे। तो देखिए, सिंपल सा आंसर है, रीज़न बींग कि वहाँ की गवर्नमेंट ये चेक कर रही थी, बेसिकली रिव्यू ये चीज़ कर रही थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी कहीं जॉब्स में प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, दूसरी कंट्रीज से जो लोग आते हैं और जॉब ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उस कारण से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो किसी प्रॉब्लम पे फेस तो नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से ये कैप लगाने की बात कर रही थी। बट अब ये क्या कर रही है, अपनी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको रिव्यू करती रहेगी बार बार, और फिर उसके बाद फिर इन फ्यूचर अगर हो सकता है कैप लगाए या जो भी करे, तो अभी के लिए तो फिलहाल इन्होंने कैप नहीं लगाया। ये ओवरऑल चीज जो थी वो हम लोग को जानने वाली थी, राइट। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। तो देखिए, इटली और फ्रांस ने बेसिकली एक अप्रूवल रखा था यूरोपियन यूनियन के पास, तो अब और यूरोपियन यूनियन ने उस अप्रूवल को एग्री कर लिया है। तो वो अप्रूवल क्या था, तो यूरोपियन यूनियन ने जो अप्रूव किया है उस पर्टिकुलर अप्रूवल को, वो ये था कि जो फ्रांस और इटली चाह रहे थे कि बेसिकली एक असाइलम सेंटर्स को बनवाना अफ्रीकन नेशंस में, तो इस असाइलम सेंटर्स को बनवाने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो कि माइग्रेटेड लोग जो होते हैं, माइग्रेशन करके जो दूसरी देश में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उनको होम्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उनको होम्स वगैरह के लिए इन लोग असाइलम प्रोवाइड कराएंगे कि जिससे जो लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे आकर आराम से रह सकें। नहीं तो फिर क्या होता है कि हमने देखा है कि जैसे कि अभी रोहिंगा क्राइसिस के अंदर भी जो लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं म्यांमार से, तो उनको बेसिकली घर वगैरह की काफ़ी दिक्कतें हो रही है, वो रह नहीं पा रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एशियन की काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अफ्रीकन की काफ़ी सारी कंट्रीज के में ये असाइलम डेवलप करेंगे। तो और ये असाइलम जो यूरोपियन यूनियन का असाइलम जो रूल्स है वो उसको बोलते हैं डबलिन रेगुलेशंस। आई होप कि आप लोग को ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। डबलिन रेगुलेशन उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, और यूरोपियन यूनियन को ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन यूनियन एक नया मूव लेके आ रही है जिसमें ये क्या करेगी, माइग्रेंट्स के लिए असाइलम्स जो है वो क्रिएट करने वाली है, असाइलम सेंटर्स जो है वो खोलने वाली है। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, जो कि एक ह्यूमैनिटी के ऊपर मतलब काफ़ी अच्छी है। बेसिकली जैसे कि यूनाइटेड नेशन करता है, वैसे हम लोग को पता है यूरोपियन यूनियन भी है, काफ़ी कुछ चीज़ें करता है, हालांकि उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, बट देन टू ये काफ़ी सारी चीज़ें करता है, राइट। ट्रेटीज से बना है ये बेसिकली। हम लोग अगर आप जाएंगे यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना है। ओके, सो नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया की ये पर्टिकुलर न्यूज़ है जो काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में रह रही है। तो इस न्यूज़ में कुछ नहीं, इस न्यूज़ में काफ़ी सारी बातें हुई हैं, जैसे कि ट्रंप के साथ जो है इनके जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है और डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, इनके जो टेलीफोन नंबर से आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, इन दोनों की आपस में बात काफ़ी कुछ हो रही है, बट अभी भी बेसिकली इन्होंने डीन्यूक्लियराइजेशन किया नहीं है अभी भी, मतलब जो ये बोल रहे थे कि जो न्यूक्लियर की जो मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल जहाँ से इन लोग लॉन्च करते हैं और न्यूक्लियर एक्टिविटीज जहाँ पे होती है जिस पर्टिकुलर साइट में, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ये, तो अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया नहीं है। तो उसी को देखते हुए जो यूएसए के सेक्रेटरी हैं जो माइक पोम्पियो, तो उन्होंने बोला है कि बेसिकली अभी हम लोग जब तक ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है जब तक डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम उनके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे नहीं। तो ये ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मेन जो कंसर्न था इस चीज़ के लिए वो ये था कि कभी कभी डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि जब ये सिंगापुर में जो ये समिट जो हुई थी इन दोनों के बीच में, जो मीटिंग जो हुई थी, ये जब जैसी फिनिश हुई मीटिंग, उसके कुछ समय के बाद जो नॉर्थ कोरिया के अंदर 42 मिनट्स की एक फिल्म बनी जिसका नाम है एपोकल मीटिंग दैट पायनियर्ड न्यू हिस्ट्री बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो 42 मिनट्स की फिल्म है, इस फिल्म में पूरा दर्शाया गया है कि किस हिसाब से जो मीटिंग है वो किस हिसाब से हुई, क्या हुई, कैसी मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला। तो ये ओवरऑल जो मीटिंग है, इस पर्टिकुलर ओवरऑल जो पिक्चर है वो इस पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड है। तो आप लोग को इस मूवी का नाम याद रखना मतलब इंपॉर्टेंट है, एपोकल मीटिंग दैट पायनियर्ड न्यू हिस्ट्री बिटवीन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। गॉट इट?
तो आज का लेक्चर थोड़ा सा हाँ ज़्यादा हो गया, बिकॉज दो दिन की न्यूज़ जो है वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, अब इंटरनेशनल न्यूज़ फिनिश अप हो चुकी है, बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए BCG है, हम लोग को ये जानना जरूरी है कि BCG क्या है। तो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है जिसने एक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 निकाली है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना। बाकी इस रिपोर्ट के थ्रू इसने काफ़ी कुछ चीज़ें बोली है। इसने बोला है कि जो 55% जो टोटल वेल्थ है कंट्री की वो उन लोगों के पास है जिनकी जो नेट वर्थ है वो है $1,00,000, ठीक है। $1,00,000 जिन लोगों की नेटवर्थ है, और ये जो पर्टिकुलर जो $1,00,000 जो नेटवर्थ है जिन लोगों की $1,00,000 से भी कम, मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं 55% ऑफ टोटल कंट्रीज वेल्थ को, राइट। और ये जो 1,00,000 लोग जो है वो कितने परसेंटेज में है, वो 18% है सिर्फ। और उसके अलावा और भी बात करी, उसके अलावा 16% वाले लोगों की बात करी, इसमें बोला है कि जो लोग $1 बिलियन से भी ज़्यादा जिनकी पर्सनल वेल्थ है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल कंट्रीज के अंदर 16% ऑफ वेल्थ, राइट, इंडिया के अंदर। तो ये ओवरऑल देखिए फिगर्स और ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, UPSC इस तरह के क्वेश्चंस फिगर्स वगैरह से रिलेटेड नहीं पूछता है, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट कि बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है उसने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट निकाली है 2018 की। आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाएगा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 किसने निकाली है, तो उसमें चार एक ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, तो आपको बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप पे टिक लगाना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने जो कुकवेयर कंपनी है, बेसिकली उसका नाम है निर्लैप, उसको खरीद लिया है, और जो कि नॉन स्टिकी कुकवेयर मेकर जो है ये निर्लैप, और तो ये बेसिकली इन्होंने 80 करोड़ रुपीज़ में खरीदा। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने निर्लैप को 80 करोड़ रुपीज़ में खरीद लिया, और निर्लैप क्या है, नॉन स्टिकी कुकवेयर मेकर जो है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं ये। उसके अलावा जो फ्रेंड्स की एक टेली परफॉर्मेंस कंपनी है वो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है इंटीलिनेट, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरह से एक BPO है, ये काफ़ी कुछ चीज़ें करती है, ह्यूमन रिसोर्स में काम करती है ये, और उसके अलावा जैसे कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करती है, और फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करती है। उसके अलावा बैक ऑफिसेज में काफ़ी कुछ चीज़ें करती हैं, और ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को मैनेज करती है, बेसिकली मतलब कस्टमर फीडबैक्स वगैरह होते हैं ना उनको मैनेज करती है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को फ्रांस की टेली परफॉर्मेंस कंपनी ने $1 बिलियन में खरीद लिया है, तो हम लोग को ये वाली चीज़ भी पता होना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, अब हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ की बात करेंगे। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स ने फ्रेंड्स 121 जायंट प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो जिसमें मून्स हैं, जिसके खुद के मून्स हैं, मतलब जिसके खुद के मून्स हैं 121 जायंट प्लैनेट्स जिसके खुद के मून्स हैं, और उसके अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइंड आउट किया है, ये चीज़ हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंडली जो फॉसिल मतलब फ्रॉग्स मिले, फ्रॉग्स के कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि 99 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, और उस फ्रॉग के फॉसिल्स का नाम क्या है, वो है इलेक्टोराना लिमोई। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे मिले हैं, नदन म्यांमार में। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, फॉसिल फ्रॉक्स के जो फॉसिल्स मिले हैं 99 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स हैं ये, और इनका नाम जो है वो है इलेक्टोराना लिमोई, राइट। और कहाँ मिले हैं, नदन म्यांमार में। उसके अलावा फ्रेंड्स चाइनीज़ की एक मतलब यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सुन येट सेन यूनिवर्सिटी, उसने ये फाइंड आउट किया है कि जो गोल्ड के कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं वो प्लांट की स्पीसीज के अंदर नेचुरली ग्रोइंग मिले हैं, ठीक है। तो नेचुरली कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स एक प्लांट के अंदर मतलब ग्रो होते हुए नजर आए हैं, उगते हुए नजर आए हैं, राइट। तो ये कौन सा प्लांट है, ये प्लांट है चाइना ग्रास, जिसको हम लोग बोलते हैं बोही, जिसका साइंटिफिक नेम है बोही मेरिया निविया, आपको पता होना चाहिए बोही मेरिया निविया, और जिसको बोलते हैं चाइना ग्रास। और दूसरा जो है इरिंग गिरोन कैनाडियानिसिस, ठीक है, हॉर्स वीड है ये। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो या तो ऑक्सीजन या फिर कॉपर के साथ मिक्स होके बने हैं ये, फ्यूज़ होने के बाद फिर बने हैं ये, राइट। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। अभी साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको मैं आपको कल देने वाला हूँ मंडे को, बिकॉज वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अलग से उसको बनाऊंगा अच्छे से, और वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लें तो श्रेया गवांडे जी हैं, उन्होंने मतलब पिस्तौल में गोल्ड जीता है, तो ये पिस्तौल वहीं पे हुआ है, मतलब ये जो अभी जो चैंपियनशिप चल रही थी शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि हम लोग को पता है 18th कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी तुगलकबाग में, जो कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था काफी सारे प्लेयर्स के बारे में, तो उसमें से एक नाम और जुड़ गया है श्रेया गवांडे, जिनको मिला है गोल्ड किसमें, बेसिकली पिस्टल में, राइट। तो उसके अलावा देखिए मतलब स्पोर्ट्स पिस्टल की बेसिकली ये है मतलब रिजल्ट जो ये है स्पोर्ट्स पिस्टल का, जूनियर वुमेन का रिजल्ट ये है, ट्रायल 5 का रिजल्ट ये है, जूनियर मैन का रिजल्ट ये है, जूनियर यूथ मैन का रिजल्ट ये है, ओके। सो आप एक बार रिजल्ट्स
देख लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि बैंक से रिलेटेड एग्जामिनेशन और इन सब रेलवे से रिलेटेड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। अब जो फेडरर हैं, जिनको हम लोग जानते हैं कि 20 टाइम्स ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीते हैं, उन्होंने फिर से मतलब स्टुटगार्ट कप जो है उन्होंने जीत लिया है, तो इनकी फिर से मतलब जीत गए हैं, ये विनर हो गए हैं, राइट। और उसके अलावा इंडियन वुमेन्स हॉकी जो टीम है उसने पहली बार स्पेन का टूर किया है, और स्पेन का मतलब पहली बार स्पेन को हरा दिया है इस पर्टिकुलर स्पेन टूर में, राइट। सो ये जो न्यूज़ थी वो थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, UIDAI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सेकंड क्वेश्चन, राइट ब्रीफली अबाउट द ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल, जिसके बारे में अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, आई थिंक नेशनल न्यूज में हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल, आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा। उसके अलावा आप हवाला और शेल कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन करिएगा डीपली, राइट। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कंटिन्यूस बहुत देर तक लेक्चर बन गया आज, ओके। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ भी थी जिसको मैंने सेलेक्टिव न्यूज़ आप लोग तक पहुँचाई है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिवॉर्ड की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोग आपको क्या रिवॉर्ड देते हैं। अब जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और रिवॉर्ड में ऐसा होता है कि जो भी आप आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो आंसर्स हम लोग आपके डिस्प्ले करते हैं, कहाँ पर वो हम लोग आपके आंसर डिस्प्ले करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और ये वाली जो PDF है वो बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करने मत भूलिएगा गाइस, ओके। सो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।